हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने बचपन की कुछ ड्राइंग्स। सारी तो नहीं, मेरे पास कुछ खो गई हैं, इधर उधर हो गई हैं। जो भी मेरे पास बची हुई हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। पता नहीं क्यों बचपन से काफ़ी इंटरेस्ट है पेंटिंग, ड्राइंग इन सब में। तो जब मैं 6th, 7th, 8th इन सब क्लासेस में थी, तब के मेरे पास कुछ ड्राइंग्स रखी हुई हैं, वो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक लड़का है और वो कुछ खा रहा है। इसका अजीब टाइप का मुंह मैंने बना दिया, पता है कैसा है। ये देखिए, उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक ये प्रोजेक्ट वर्क था, तो उसमें ही मैंने कुछ बनाया होगा, वह मेरे पास रखा हुआ था। और ये देखिए कितनी अच्छी सीनरी, दुनिया की सबसे अच्छी सीनरी। इसमें दो बच्चे भी हैं यहाँ पे, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये मैंने दो बच्चे बनाए हैं और ये बीच में नदी बना दी है। ये देखिए, पता नहीं क्या क्या बना दिया मैंने। ये लिखा हुआ है गति शीतल मानव का चित्रण, वाओ, शुद्ध हिंदी। ये पता नहीं वो सफाई जो करते हैं उनकी ड्राइंग बनाई हुई है मैंने। ये देखिए, और उसमें मुझे वेरी वेरी गुड मिला है, वाओ। आई थिंक ये 5th 6th क्लास की तो नहीं होगी, बड़े क्लास की होगी, हो सकता है 8th क्लास की हो, क्योंकि तब मेरी ड्राइंग थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। और वो जो पहले ही मैंने दिखाई वो तो छोटी क्लास की होंगी। इस टाइप के तो आप लोगों ने बनाए ही होंगे। ये है आयत में आलेखन और इसमें मुझे फाइन मिला हुआ है। एक औरत है और वो घास निकाल रही है। अब ये लिखा है घास उखाड़ती हुई औरत, वाओ, फाइन। मेरे मैथ्स में नंबर आते थे 0 और ड्राइंग में आते थे पूरे पूरे 10/10, और बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक आते थे, लेकिन ड्राइंग में तो फुल में फुल, या तो अगर 10 नंबर का पेपर है तो 8 से कम तो आते ही नहीं थे। और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये 8th क्लास का है और मुझे इस टाइम पे देखिए कलर कॉम्बिनेशन और कलर ब्लेंडिंग थोड़ा बहुत आ गई थी। ये मैंने इस टाइप का, आप लोगों ने पता नहीं ट्राई किया कि नहीं, ये मेरे दिमाग में अचानक से पता नहीं क्या आया था। और एक इससे अच्छा भी था, वो सर्कल में था, वो मेरा खो गया। उसमें मैंने ऑरेंज और ब्लू कलर का ऐसे किया था, ऊपर ऑरेंज और नीचे ब्लू, और बीच में मैंने ब्लेंड कर दिया था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। वो मैंने कहीं पर लगा दिया था तो उसके बाद वो खो गया, लेकिन ये काफ़ी सही है। ये देखिए, इसमें मैंने फ्लावर्स कितने अच्छे तरीके से बनाए हैं। और ये गाइस 7th या 8th क्लास का होगा, ज़्यादा बड़ी क्लास का नहीं है, क्योंकि मैंने 9th से कॉमर्स ले ली थी और तो उसकी वजह से आर्ट वार्ट छूट गई थी। फिर मैंने आर्ट को स्टार्ट किया 12th के बाद। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। मैं उस टाइम पे पोर्ट्रेट्स ड्रॉ नहीं कर पाती थी, काफ़ी बहुत बेकार करती थी। देखिए, अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा ये कि ये कौन है, ठीक है, समझ इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये कौन है। दिस इज स्वामी विवेकानंद, उसमें कैमरे में उल्टा दिख रहा है, मैं पढ़ के बता रही हूँ। ये स्वामी विवेकानंद जी हैं और ये हैं लाला लाजपत राय। ये देखिए, ये कोई प्रोजेक्ट वर्क ही है, उसी में मैंने बनाया है। वॉट इज दिस, ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है। दो लड़के बनाए और अजीब सा फेस बना दिया है इनका, अजीब सा फेस बना दिया है। ये देखिए, ये देखिए 8 नंबर्स, और ये है बगीचे की तरफ उड़ता हुआ तोता।
और ये बगीचे से तो बाहर जा रहा है, ये पता नहीं कहाँ पे जा रहा है। बगीचा तो इधर है ना, ये इधर जा रहा है पता नहीं कहाँ। काफ़ी सिंपल से बनाई है। और आजकल की मेरी पेंटिंग्स आप देख ही सकते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली थी तो वो लोग आप देखिएगा। और आगे भी मैं काफ़ी सारी डालूंगी, अभी तो स्टार्टिंग की है चैनल की, काफ़ी कुछ आने वाला है। ये मैंने एनिमे कैरेक्टर ड्रॉ किया है और इसका नाम भी रख दिया है, ये देखिए नाम क्या रखा है, मुझे हंसी आ रही है। इसका नाम है ब्लडी यूरिको। वाओ, ब्लडी यूरिको कैसा नाम रख दिया। और इसके फेस पे क्या बना दिया है, कर्स मार्क लग रहा है सास्की का। वैसे एक और कैरेक्टर मैंने ड्रॉ किया था, ये देखिए। जब मैंने एनिमे की ड्राइंग स्टार्ट की थी तब की ये सभी स्केचेस हैं, आई थिंक 2 ईयर्स पहले के। हाँ, 2 ईयर्स पहले के। ये तो ठीक ठाक बन गया है, ये तो काफ़ी सही बन गया है स्टार्टिंग के हिसाब से। ये देखिए मैंने एक और बनाई थी एनिमे गर्ल, ये तो काफ़ी सही है उससे। इसकी आइस वाइस में शेडिंग काफ़ी सही हो गई थी इस टाइम में, इस टाइम पे आइस वाइस में बनाने लगी थी, काफ़ी सही हो गई थी शेडिंग। ये एक और सीनरी है, पता नहीं कब की है, ये नहीं पता मुझे। ये एक पोर्ट्रेट ऐसे ही पता नहीं क्या ड्रॉ किया है, ट्राई किया था इस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत करने लगी थी। ये देखिए बालों में शेडिंग काफ़ी सही है थोड़ा, मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से तो काफ़ी ठीक ठाक है। तो गाइस यही थे मेरे कुछ पुराने आर्ट वर्क्स, जो कि जिसमें से काफ़ी सारे तो खो गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे थे वो भी खो गए, कुछ स्कूल में सबमिट हो जाते थे, मैंने काफ़ी कुछ बनाया है वो सारे, बस उसमें से इतना ही कुछ बचा हुआ था, तो मैंने आप सोचा मैंने आपको दिखाते हैं। तो 12th के बाद जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की दोबारा, उसके बाद से अभी तक के जितने भी आर्ट वर्क्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर से, कोई किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।